दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत और खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखकर तारीफ के कसीदे पढ़ डाले। सूर्य के शतक और कुलदीप यादव के 5 विकेट को लेकर कही बड़ी बातें, जिसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान इन पत्नियों का सलाम करने पर मजबूर हो जाएगा। तो आखिरकार अनुष्का से लेकर रितिका सचदेव, यहाँ तक कि देवी शाह ने अपने बयान में ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर अब की भी इन सभी के मुरीद हो जाएंगे। कैसे टीम इंडिया सीरीज में शानदार वापसी कर जीता तीसरा T20 मुकाबला, तो हम आपको इन सभी के बयान में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में करारी धूल चटाने के बाद टीम इंडिया का कारवां साउथ अफ्रीका पहुंचा, जहां पहले T20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया, लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मगर अंतिम और निर्णायक T20 मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज कर सीरीज को 1-1 पर खत्म किया। अंतिम मुकाबले भारत और अफ्रीका के बीच साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में खेला गया। इस मुकाबले में अफ्रीकी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के सामने 20 ओवर में 202 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए तूफानी शतक ठोक, वहीं यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक की पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे मैदान पर टिक नहीं सके। कुलदीप यादव की खतरनाक गेंदबाजी के आगे पूरी टीम अफ्रीका की टीम धाराशायी हो गई। कुलदीप यादव ने इस मुकाबले में 5 विकेट अपने नाम किए, वहीं रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट झटके और टीम इंडिया को इस मुकाबले में 106 रनों से जीत दिलाकर इतिहास रच दिया। अफ्रीका के मैदान पर भारतीय टीम का शानदार खेल पूरे क्रिकेट जगत में हैरान रह गया। डेविड मिलर और कप्तान मार्करम के अलावा कोई भी बल्लेबाज 15 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं कर सका और पूरी टीम 95 रनों पर 13.5 ओवर में ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन देखकर पूरा अफ्रीका टीम हैरान रह गया, यहां तक कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं खिलाड़ियों की पत्नियों ने भी कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन देखकर तारीफ के कसीदे पढ़ डाले और बयान दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं इन सभी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सचदेव ने बयान देते हुए कहा है, भारतीय युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गई। टीम इंडिया ने सीरीज में शानदार वापसी की। अंतिम मुकाबले में सूर्य कुमार यादव का शतक देखकर मेरा दिल खुश हो गया। वहीं कुलदीप यादव के 5 विकेट ने भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और टीम इंडिया को सीरीज में 1-1 के बराबरी पर ला दिया। भारतीय युवा खिलाड़ियों को जीत की बहुत बहुत बधाई। वहीं अनुष्का शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मैच की जीत की बहुत बहुत बधाई। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लेकर हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं सूर्य कुमार यादव के शतक ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। मुझे उम्मीद थी टीम इंडिया सीरीज जरूर वापसी करेगी और ठीक वैसा ही हुआ। सूर्य कुमार यादव की पत्नी देविशा ने भी बयान देते हुए कहा कि भारत ने शानदार खेल दिखाया, अंतिम मैच को जीत कर सीरीज को 1-1 से खत्म किया। सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। वहीं कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से अफ्रीकी बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया, मैं टीम इंडिया के प्रदर्शन से बेहद खुश हूं। वहीं हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने भी बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया को सीरीज में जीत की बहुत बहुत बधाई। अफ्रीका की धरती पर ऐसा बल्लेबाजी और गेंदबाजी करना बहुत कठिन होता है, लेकिन हमारे युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। कुलदीप की फिरकी के आगे अफ्रीकी बल्लेबाज घुटने टेक दिए, वहीं कुलदीप यादव ने अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारत को सीरीज में इन सभी खिलाड़ियों ने शानदार वापसी कराई। तो दोस्तों, देखा आखिर भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से कैसे इस मुकाबले को अपनी झोली में करने का पूरा मन बना लिया। कौन है किस पर हावी, इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्या, यशस्वी और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 0-1 से T20 सीरीज में पीछे चल रही टीम इंडिया जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में अपनी लाज बचाने के इरादे से उतरी थी। टीम इंडिया के युवा सितारों के सामने सीरीज को बराबर करने की बहुत बड़ी चुनौती थी। मौसम ने भी इस बार फैंस का साथ दिया, बारिश का नामो निशान भी नहीं था। कड़ी धूप के बीच जब सिक्का उछाला गया तो किस्मत चमकी। अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम टॉस जीतकर उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पिछले मुकाबले की कड़वी यादों को भुलाकर इस बार भी गिल और यशस्वी की जोड़ी टीम इंडिया को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में कदम रख चुकी थी। पहला ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गस की चौथी ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर गिल ने अपना खाता खोल दिया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो वो अफ्रीका को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जाते जाते 5वीं गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरा। तो ओवर की आखिरी गेंद पर भी जब गेंदबाज दिशा भटक गया
गया, तब उस गेंद को विकेट के पीछे चौके के लिए मारकर गिल ने न केवल चौकों की हैट्रिक पूरी की बल्कि टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत भी दिला दी थी। गिल को खतरनाक बल्लेबाजी करता देख यशस्वी भी कहां पीछे रहते हैं। दूसरा ही ओवर लेकर आए जब खुद कप्तान एडन मार्करम आते हैं, तब उनका स्वागत ही यशस्वी ने खूबसूरत चौके से कर अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। हालांकि अगली कुछ गेंदों पर मार्करम ने उन्हें अच्छा खासा परेशान किया। दो बार तो यशस्वी के खिलाफ उन्होंने अपील भी की लेकिन वो कुछ काम नहीं आया। पांचवी गेंद पर यशस्वी ने जहां मैदान को चीरते हुए कट शॉट से चौका बटोरा, तो ओवर की आखिरी गेंद पर दो कदम आगे निकलकर उस गेंद को सीधा मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के बाहर मारकर उन्होंने अभी से अफ्रीका टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। टीम इंडिया की जबरदस्त शुरुआत देखकर तो भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि टीम इंडिया ने पहले दो ओवर में ही तूफानी रफ्तार से 29 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों तीसरा ओवर लेकर आए केशव महाराज ने टीम इंडिया की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने गिल को फंसा लिया जहां गिल ने स्वीप शॉट खेलना चाहा लेकिन वो पूरी तरीके से चकमा खा गए और गेंद सीधा उनके पैड पर जाकर लगती है और अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती है। इसके बाद तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था, आखिर वो भी क्यों ना। टीम इंडिया का ये सितारा 6 गेंदों पर केवल 12 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटा और भारतीय टीम को पहला झटका लगता है। लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गेला, टीम इंडिया की कमर तो उस वक्त टूट गई जब तिलक वर्मा पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में फील्डर को ढूंढ बैठे। जी हां, लगातार 2 गेंदों पर केशव महाराज ने टीम इंडिया की जबरदस्त शुरुआत को बर्बादी में तब्दील कर दिया। तिलक वर्मा पहली ही गेंद पर गोल्डन डक बनाकर चलते बने और ऐसे में अब टीम इंडिया को इस मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने कंधों पर उठाकर मैदान में कदम रख चुके थे। उन्होंने आते ही सिंगल से अपना खाता खोला और 3 ओवर में 30 रन पर टीम इंडिया के 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। लेकिन यशस्वी को देखकर ऐसा लगा कि उन पर इसका कुछ असर ही नहीं हुआ। चौथा ओवर लेकर आए लेजर्ड विलियमसन की घातक गेंद बाउंसर को यशस्वी ने अपने पुल शॉट से सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए फेंक दिया था, तो दूसरी तरफ कप्तान सूर्या भी सिर पर कफन बांधकर उतरे थे। लेजर्ड विलियम्स की फुल लेंथ गेंद को सूर्या ने अपने पिकअप शॉट से सीधा छक्के के लिए मारकर अफ्रीका की हालत खराब करके रख दी। वहीं पांचवा ओवर लेकर आए जख्मों पर मरहम लगाते हुए टीम इंडिया ने बहुत जल्द पुराना हिसाब किताब ऑस्ट्रेलिया से चुकता कर दिया। 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन दोस्तों क्रिकेट का यह रोमांच इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। जहां ऑस्ट्रेलिया के बाद यह कारवा बढ़ चला है दक्षिण अफ्रीका की ओर, जहां भारतीय टीम का शुरू हो चुका है अफ्रीका दौरा। यहां 3 T20 मुकाबलों में 7 3 वनडे मैच हमारी प्यारी भारतीय टीम को खेलना है। साथ ही साथ 2 टेस्ट मैचों में भी यहां समा बांधा जाएगा, जिसकी धमाकेदार शुरुआत टीम इंडिया की टॉस जीत के साथ हो चुकी है। यानी एक बार फिर दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों अफ्रीका और इंडिया के बीच राइवलरी में एक इतिहास का नया पन्ना दर्ज किया जाएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले T20 मुकाबले का बिगुल बज चुका है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 10 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे शुरू होगा। 9 बजे टॉस होगा। अपने घर पर अफ्रीका तो और भी खूंखार हो जाती है और इस महामुकाबले का गवाह डरबन का किंग्स मीड स्टेडियम बनने वाला है। 25,000 की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम में इंडिया और अफ्रीका T20 के इस खेल में तगड़ी जंग करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके लिए हर कोई बेकरार है। दोनों टीमें अपने खतरनाक खिलाड़ियों के साथ एक दूसरे पर हमला बोलने के लिए तैयार हैं। टीम इंडिया भी अफ्रीका पहुंचकर मैदान में जमकर पसीना बहाना शुरू कर चुकी है और यह सीरीज बेहद यादगार होने वाली है, ऐसा सभी का मानना है। लेकिन दोस्तों इस T20 सीरीज के पहले ही अब क्विंटन निकॉक ने टीम इंडिया को खुली चुनौती दे डाली है। जहां क्विंटन निकॉक ने कहा, टीम इंडिया का स्वागत है, भारतीय टीम को बायलैटरल सीरीज में हराना कभी भी आसान नहीं होता, यह तो पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन साउथ अफ्रीका में भारतीय गेंदबाजों को बिल्कुल भी मदद नहीं मिलने वाली और यदि ऐसा हो गया तो हमारी टीम उन्हें 3-0 से क्लीन स्वीप भी कर सकती है। मुझे अपने भारतीय खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है क्योंकि भारतीय टीम ऐसी टीम है जो केवल अपनी परिस्थितियों में ही दूसरों पर दबाव डालती है, लेकिन यदि हमने उन्हें एक मौका नहीं दिया तो वो हमें आसानी से हरा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीम इंडिया कभी भी यहाँ T20 सीरीज नहीं जीतेगी, पिछली बार की तरह हम उन्हें इस बार भी हराएंगे। तो दोस्तों सच में क्विंटन डिकॉक का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। बस फिर क्या था, सूर्य का गुस्सा भी फूट पड़ा और उन्होंने कह दिया कि हमने तैयारी कर ली है। हाँ, हो सकता है परिस्थितियां उतनी ज्यादा भारत की तरह ना हो, मजबूत टीम वही है जो कहीं भी किसी भी हालत में खेले और जीते। हमारी टीम में वैसे भी खूबियां हैं जो अफ्रीका में जीत के लिए चाहिए। हमारे लिए पिचेस और कंडीशंस ज्यादा मायने नहीं रखती क्योंकि हम हर जगह जीतना जानते हैं। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है और अगला लक्ष्य हमारा अफ्रीका के खिलाफ केवल T20 सीरीज जीतना ही नहीं बल्कि उन्हें क्लीन स्वीप करना है और हम इसी इरादे से अफ्रीका आए हैं। जी हां दोस्तों, सूर्य ने तो अपने तीखे शब्दों से डिकॉक की बोलती बंद कर दी, लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।